उन्हें देखकर बहुत अजीब थोड़ा लग रहा था, क्योंकि ऐसे कभी हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं है। वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, आज भी दहाड़ रहे हैं, आज भी कोई कमी नहीं है, आज भी वही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जेल का ताला जरूर से जरूर हमेशा के लिए टूटेगा, 8 घंटे के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए टूटेगा। धनबाद की जनता के लिए इनका कोई संदेश लेकर जा रही हैं कि बहुत मजबूत हैं, जेल के अंदर भी जाकर टूटे नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, और भी मजबूती के साथ वो दहाड़ने के लिए तैयार हैं। अपने धनबाद की जनता की तरफ से हेमंत भैया को बोलूंगी कि पूरी जनता आपका इंतजार कर रही है और तहे दिल से, और जेल का ताला तोड़वाने के लिए भी तैयार है हमारी जनता। कैसी स्थिति में खुद को देख रही है? चूंकि सरयू राय जी से कल परसों बातचीत हो रही थी, तो वो बोल रही कि अब चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ढुल्लू महतो के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पे ही आपका समर्थन तो हो ही गया। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह इस वक्त नेमरा गांव पहुंची है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा का निधन हुआ था। आज श्राद्ध का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए आई थी। हेमंत सोरेन जी से मुलाकात की, कल्पना सोरेन से मुलाकात की, गुरु जी से आशीर्वाद ली। किन किन लोगों से मुलाकात हो पाई, क्या बात हो पाई? सबसे मुलाकात हुई, बात क्या, अभी तो ऐसा समय है, इसमें दुख की घड़ी है, इसमें बात क्या करना है, बस लोगों से मुलाकात हुई और मैंने चाचा जी को नमन किया और फिर बस बाकी लोगों से आशीर्वाद लिया बस, क्योंकि मेरा प्रोग्राम थोड़ा लगा हुआ है तो मुझे जाना भी है, यहाँ से टाइम लगेगा जाने के, तो बस अब निकलने ही वाली थी, आपने पकड़ लिया। हेमंत जी 31 जनवरी से जेल में थे, ये पहली बार चाचा के इसमें आए हुए हैं, क्या कुछ बात हो पाई? चूंकि चुनावी माहौल में उनकी कमी हमेशा खलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने महीनों बाद उनको हम लोगों ने देखा, आज खुले हवा में वो सांस ले पा रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत अजीब थोड़ा लग रहा था, क्योंकि ऐसे कभी हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं है। वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, आज भी दहाड़ रहे हैं, आज भी कोई कमी नहीं है, आज भी वही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जेल का ताला जरूर से जरूर हमेशा के लिए टूटेगा, 8 घंटे के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए टूटेगा। मतलब यहाँ से धनबाद की जनता के लिए इनका कोई संदेश लेकर जा रही हैं कि बहुत मजबूत हैं, जेल के अंदर भी जाकर टूटे नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, और भी मजबूती के साथ वो दहाड़ने के लिए तैयार हैं और लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और मैं अपने धनबाद की जनता की तरफ से हेमंत भैया को बोलूंगी कि पूरी जनता आपका इंतजार कर रही है और तहे दिल से, और जेल का ताला तोड़वाने के लिए भी तैयार है हमारी जनता। कैसी स्थिति में खुद को देख रही है? चूंकि सरयू राय जी से कल परसों बातचीत हो रही थी, तो वो बोल रही कि अब चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ढुल्लू महतो के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर ही आपका समर्थन तो हो ही गया। मैंने पहले भी कहा था कि वो हमेशा सत्य के लिए ही खड़े होते हैं। इस दौरान भी जब उन्होंने देखा कि ऐसे एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जो इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं है, तो इसलिए शायद उन्हें लगा कि मैं इसमें कुछ भागीदारी कर सकता हूं और इससे धनबाद की जनता को बचा सकता हूं, तो इसलिए वो आगे आए थे। फिर जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिनकी साफ छवि है, तो फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। मतलब ढुल्लू महतो के सामने साफ छवि का कमाल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in